आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। जिले के एक भाजपा के पूर्व विधायक व वर्तमान में भाजपा के कद्दावर नेता के बेटे ने देर रात दुकानदार पर राइफल तान दी। चाट की दुकान पर कहा सुनी के बाद हुई घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच दुकानदार के समर्थन में आई भीड़ ने विधायक के बेटे को पकड़कर राइफल समेत कोतवाली पहुंचा दिया। नशे व सत्ता की हनक में चूर कोतवाली के अंदर यहां उसने पुलिस वालों से उलझते हुए घंटों हंगामा काटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से मोबीन मंसूरी की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। वो ये था कि हम तरंगिया से ठेला लेके आ रहे थे, विवेक घर वाली दुकान पे विवेक बैठा था खाली। इसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि वहाँ पे जो है लड़ाई हो गई है। मैंने कौन है? बोले कोई एक खराबी है, दारू पी है, राइफल लोड लेकर के खड़ा है, ताने हो गए मेरे ऊपर। मैं क्या बात है? बोले जल्दी आओ, जो होगा देखा जाएगा। हम जल्दी भागते हुए ठेला लेकर के यहाँ पे आए। आने के बाद देखा कि ये वहाँ पे मम्मी खड़ी थी, मार गाली गलौज कर रहा था। हमने कहा भैया क्या बात है, जाओ। बोला अब तो मैं जानते नहीं हूँ, मनील दोहरे विधायक के लड़के हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने भैया विधायक के लड़के हो गए थोड़ी देर के लिए, बनवारी लाल दोहरे विधायक के लड़के हैं, हम ये सब कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा। हमने कहा ठीक है जाओ। फिर उन्होंने मेरे राइफल बंदूक का जो है बट खींच के मारा पैर में। हमने बंदूक उनकी छीन लिया, उन्होंने वहीं धक्का दे दिया, बंदूक हमने पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ से पुलिस उठा करके उनको उतार लिया। अब इनको पुलिस कहाँ लेके गए तो मुझे भी नहीं पता, बताया नहीं मुझे। तुमने तहरीर दी? तहरीर मैंने दे दी, तहरीर दे दी है, इनकी वीडियो भी बन गई है। गाली गलौज काफ़ी इन्होंने कोतवाली में की है, कोतवाली में काफ़ी लोगों को हटाया है कि तुम क्या कर लोगे मेरा, ये हैं वो हैं उनके लड़के हैं। लाला श्याम लाल इंटर कॉलेज के सामने विवेक एक टिक्की की दुकान लगाता है और वहाँ अजीत नामक व्यक्ति गया, वहाँ टिक्की वगैरह भी खाया और उसके बाद जो है वहाँ विवाद कर लिया जो टिक्की विक्रेता विवेक जोशी और दीपक जोशी से, और वो राइफल लिया था और राइफल तान भी दिया था। उसके चैम्बर में राउंड भी थे, हमारे एसआई साहब पहुँच के उस उपकरण जो है कब्जे में लिया और उस राउंड को निकाला और अपने कब्जे में ले लिया गया है और तहरीर भी ले ली गई है और अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अजीत अजीत नाम है आरोपी का, नाम अजीत। हाँ, सुनने में आ रहा है कि